पटरी पर दौड़ती रेल जोड़ती है गांव को शहर से, उपज उत्पाद और उद्यम को बाजार से, उम्मीदों को उनकी मंजिल से। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की विजनरी लीडरशिप में अब रेल जोड़ेगी उनसे जिन्होंने जोड़ा था पूरे भारत को और बनाया था अखंड। देश और दुनिया भर के लाखों पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बन चुकी विश्व की सबसे ऊंची सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी अपनी अद्भुत बनावट एवं अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त होने के कारण बन गई है लोकप्रिय टूरिस्ट डेस्टिनेशन, जिससे लगातार बढ़ रही है पर्यटकों की संख्या। इसी को ध्यान में रखकर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक होगी अब डायरेक्ट रेल कनेक्टिविटी, जिससे यहां तक की यात्रा बनेगी और सुगम होगी यात्रियों को सुविधा, साथ ही सड़क मार्ग की तुलना में लगेगा कम समय और सफर बनेगा सरल और किफायती। इस कनेक्टिविटी के लिए भारतीय रेल ने चांदोद से केवड़िया तक 32 किलोमीटर की बिछाई है नई ब्रॉडगेज रेल लाइन, साथ ही ढबोई से चांदोद तक 18 किलोमीटर नैरोगेज लाइन को ब्रॉडगेज लाइन में किया है परिवर्तन। यही नहीं, केवड़िया में किया गया है अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस भारत के पहले ग्रीन स्टेशन का निर्माण। इस पूरी परियोजना की मंजूरी मिलते ही तुरंत शुरू किया गया काम, लेकिन ये राह नहीं थी आसान। भारी वर्षा और कोरोना जैसी महामारी ने रोकनी चाहिए काम की रफ्तार, लेकिन भारतीय रेल के बुलंद हौसलों ने हर चुनौती की गिराई दीवार और लिखी सफलता की नई कहानी। इस परियोजना को कम समय में पूरा करके ढभोई, चांदोद और केवड़िया के स्टेशन भवन लोकल थीम पर हैं आधारित, साथ ही 80 किलोमीटर के इस पूरे रेल खंड को किया गया है विद्युतीकृत, ताकि पर्यावरण रहे प्रदूषण रहित। प्रतापनगर ढभोई खंड में गति को बढ़ाकर किया गया है 110 किलोमीटर प्रति घंटा, इसे 130 किलोमीटर प्रति घंटा करने की है योजना। अब यह पूरा क्षेत्र देश की राजधानी दिल्ली, धार्मिक नगरी वाराणसी, दक्षिण में चेन्नई, आर्थिक केंद्र मुंबई सहित देश के प्रमुख स्थानों से जुड़ जाएगा, जिससे खुलेंगे विकास के नए द्वार। रेल से जुड़ जाने से यहां के लोकल व्यवसाय रोजगार को मिलेगा और बढ़ावा, और आत्मनिर्भर भारत के विजन को मिलेगी मजबूती। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं उद्घाटन ढभोई चांदोद आमान परिवर्तित ब्रॉडगेज रेल लाइन, चांदोद केवड़िया नई ब्रॉडगेज रेल लाइन, प्रतापनगर केवड़िया नव विद्युतीकृत रेल खंड, ढभोई जंक्शन, चांदोद तथा केवड़िया के नए स्टेशन भवनों का, और साथ ही हरी झंडी दिखाकर शुरुआत कर रहे हैं यहां के लिए चलने वाली देश के विभिन्न स्टेशनों से 8 नई ट्रेनें।